बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एनडीए खेमे में शामिल हो गए हैं। इसके बावजूद भाजपा ने बिहार में अपनी रणनीति को बरकरार रखा है। भाजपा का पूरा फोकस अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने को प्राथमिकता देने पर है। माना जाता है कि बिहार की राजनीति में ओबीसी और ईबीसी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल बिहार जाति सर्वेक्षण की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों समुदाय राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। यही वजह है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ग को अलग अलग तरीकों से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बिहार भाजपा का प्लान राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का है। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले कुछ साल में सरकारी योजनाओं को लागू करके अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। इस वर्ग का नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को लगातार समर्थन भी मिला है। यही वजह है कि भाजपा हमेशा नीतीश के साथ गठबंधन करने को लेकर इच्छुक रही है। हालांकि भाजपा अब अपने सहयोगी पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत भाजपा अति पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बता दें, जदयू हाल ही में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ महागठबंधन सरकार में 17 महीने के कार्यकाल के बाद एनडीए में फिर से शामिल हो गई। वही अब हाल ही में भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए डॉक्टर भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता पर दाव चल दिया। दोनों नेता अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से है। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी समाज से आते हैं, वही धर्मशीला गुप्ता अन्य पिछड़े समाज से है। भाजपा के इस कदम से इस समाज से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उसे उनकी भी चिंता है। हालांकि ये कदम प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने पिछले महीने नीतीश के साथ आने पर भी जातीय संतुलन पर फोकस किया था। भाजपा ने फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद अपने ही खेमे से दो उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए थे। संतुलन बनाने के लिए सम्राट चौधरी को एक पद दिया गया, जबकि दूसरा पद विजय कुमार सिन्हा को मिला, जो भूमिहार समाज से आते हैं। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर नंदकिशोर चौधरी ने टिप्पणी करते हुए कहा, ये पूरा ताना बाना इस बात का संकेत देता है कि भाजपा का इरादा नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहने का नहीं है। सम्राट चौधरी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भाजपा राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए दृढ़ है। नंदकिशोर चौधरी ने कहा कि भाजपा राज्य में अलग अलग जाति वर्ग के बीच अपना आधार बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। पार्टी का लक्ष्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।